11 फिजिक्स चैप्टर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण, आज हम इसका भाग दो देखेंगे। भाग एक में हमने प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्थ और प्लास्टिक वस्तुएं किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है ये देखा था। आज हम प्रतिबल और उसके प्रकारों को समझेंगे। चैप्टर क्रम से चल रहा है। अगले हमारे पार्ट में हम विकृति और उसके प्रकारों को समझेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्रतिबल के बारे में बात करते हैं कि क्या है प्रतिबल। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एक पिंड है या एक वस्तु है, अगर हमने इसको ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से एक बाह्य विरूपक बल लगाया तो क्या होगा। विरूपक बल जब हम लगाते हैं तो क्या होगा, इसके आकार या आकृति में चेंज आ जाता है, या तो आकार में चेंज आएगा या आकृति में चेंज आएगा, या हो सकता है दोनों में चेंज आ जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जैसे आपने ऊपर से नीचे की ओर यहाँ इस तरीके से एक विरूपक बल लगाया, तो ऐसा होता है कि इसमें बराबर और विपरीत दिशा में क्या होता है, एक प्रत्यानयन बल भी डेवलप हो जाता है। तो ये बात आप समझिए कि जब भी आप विरूपक बल लगाएंगे तो क्या आएगा, एक प्रत्यानयन बल आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रतिबल का कांसेप्ट यहीं से शुरू होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। जैसे आपने विरूपक बल लगाया तो इसके बराबर विपरीत दिशा में क्या हुआ, एक प्रत्यानयन बल आ गया। तो अब देखिए, मान लीजिए सपोज आप ऐसा कहते हैं कि ए क्षेत्रफल पर मान लीजिए एफ बल लग रहा होगा, तो एक क्षेत्रफल पर कितना लगेगा, एफ बटे, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला यही प्रत्यानयन बल कहलाता है प्रतिबल। ये रिस्टोरिंग फोर्स को प्रतिबल कहते हैं अगर वो एकांक क्षेत्रफल पर लगा। तो सपोज हमने पिंड के ए क्षेत्रफल वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए हमारे बल का मान एफ हो, तो जो प्रतिबल होगा वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है, तो पी बराबर हो जाएगा एफ बटे ए। सरल शब्दों में देखें तो ए क्षेत्रफल पर बल एफ, तो एक क्षेत्रफल पर एफ बटे ए, और एक क्षेत्रफल पर यही प्रत्यानयन बल है प्रतिबल। अब मात्रक क्या होगा, तो देखिए बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विमी सूत्र के बारे में बात करें तो बल का होता है एमएलटी माइनस टू, और अपान क्षेत्रफल का हो गया एल स्क्वायर। तो एमएलटी माइनस टू अपान एल स्क्वायर, तो एल से एल का स्क्वायर कटेगा, तो ये एल जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एमएल माइनस वन टी माइनस टू। अब हम क्या करें, प्रतिबल के प्रकारों पर बात करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ समझिए कि जब भी आप ठोस पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी विमाएं तीन तरीके से चेंज होती है या बदलती है। तो ऐसे में हमें प्रतिबल के भी कितने प्रकारों पर बात करना पड़ेगी, प्रतिबल के हमारे प्रकार हो जाएंगे तीन प्रकार। सबसे पहला हमारा प्रकार होगा अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, नॉर्मल या लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस। चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए तो यहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये एक बेलन है या बेलनाकार वस्तु आप ले सकते हैं, और बेलनाकार वस्तु पर आपने देखा कि चित्र अनुसार हमने क्या किया, देखिए उसकी ये जो उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसकी लंबवत दिशा में इस तरीके से दो समान बल लगाकर हमने उसको तान दिया या खींच दिया, समझ लीजिए एक बल इधर लगाया एक बल इधर लगाया, और दो समान बल लगाकर हमने उसको ताना या खींचा, ठीक है। अब क्या होगा, उसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस समय उसकी लंबाई में, मतलब उसकी एक विमा चेंज हुई, लंबाई में उसके क्या हुआ, वृद्धि हुई। तो इस समय एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला प्रत्यानयन बल होगा उसको हम कहेंगे तनन प्रतिबल या अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जिसके कारण लंबाई में वृद्धि हुई। अगर हम क्या करते हैं, दोनों बल विपरीत दिशा में लगाकर उसको अंदर की ओर दबाते तो ऐसे में क्या होता, ऐसे में उसके क्या होता, लंबाई में कमी आती, तो फिर क्या होता, बेलन जो है वो संपीड़ित हो जाता। तो इस समय इसको हम कहते हैं संपीड़न प्रतिबल, लेकिन दोनों ही अनुदैर्ध्य, क्योंकि या तो लंबाई में कमी हुई या लंबाई में वृद्धि हुई, तो ऐसा प्रतिबल कहलाता है अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और इस समय जो विकृति होती है वस्तु में, चाहे वो लंबाई बढ़े चाहे लंबाई घटे, इस समय की जो विकृति होती होती है उसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। इस पर हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब दूसरे प्रतिबल पर बात कर लेते हैं, वो है स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, टेंजेंशियल या शीयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो इसमें आप देखिएगा कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक इसी तरीके से आपने क्या लिया, बेलन लिया, और दो बराबर और विरोधी विरूपक बल इस तरीके से आपने इस अनुप्रस्थ परिच्छेद के समांतर लगाए, इस तरीके से ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है इसके समांतर लगाए, दो बराबर और विपरीत विरोधी विरूपक बल लगाए, मतलब आपने दो विरूपक बल लगाए, एक एक बार आपने एक एक कोई एक विरूपक बल आपने इधर लगाया, एक विरूपक बल आपने इधर लगाया, ठीक है। मतलब क्या करा, आपने अनुप्रस्थ परिच्छेद के समांतर दो विरूपक बल लगाए, ठीक है। अब उससे क्या होगा,
ये उससे होगा कि बेलन के ये जो सम्मुख फलक है ठीक है ना, इनमें सापेक्ष विस्थापन हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये इधर और ये इधर, ये क्या हो गया, इनमें सापेक्ष विस्थापन हो गया। मतलब लगाए गए स्पर्शी बलों के कारण बेलन के सम्मुख फलकों के बीच सापेक्ष विस्थापन हो गया, और ये सापेक्ष विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा एक्स हो गया। तो इस समय लगाए गए स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल आया है, उस प्रत्यानयन बल को हम कहेंगे स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, ठीक है। और ऐसे समय में जो विकृति होगी वो कहलाएगी अपरूपण विकृति, जिस पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि अगर आप क्या करते हैं कि अनुप्रस्थ परिच्छेद के समांतर यदि दो बराबर और विरोधी विरूपक बल लगाते हैं तो क्या होता है, उनके सम्मुख फलकों के बीच सापेक्ष विस्थापन हो जाता है, और इन ये जो आपने स्पर्शी बल लगाए इसके कारण जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है उसे हम कहेंगे स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। तो बिल्कुल आपको स्पष्ट होगा, और इस समय होने वाली जो विकृति होगी उसको हम कहेंगे अपरूपण विकृति। चलिए अब तीसरा जो हमारा प्रतिबल है उस पर बात कर लेते हैं, जलीय प्रतिबल, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। तो इसको भी आप देख लीजिए कि यदि ऐसा हो जाए कि किसी ठोस गोले को हम द्रव में डुबोएं तो क्या होगा, जो अगर आपने अधिक दाब के द्रव के अंदर ठोस गोले को डुबाया हो तो क्या होगा, उस पर समान रूप से क्या होगा, समान रूप से सभी ओर से क्या होगा, वो गोला क्या होगा, संपीड़ित होने लगेगा, ठीक है। तो यदि गोले को द्रव में डुबाया जाए तो उस पर द्रव द्वारा क्या होगा, बल आरोपित होगा, और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, लंबवत दिशा में वो बल कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा कि गोले की ज्यामिति आकृति में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके आयतन में क्या हो जाएगी, ज्यामिति आकृति में चेंज हुए बिना ही उसके आयतन में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो क्या किया हमने, क्या कहा हमने कि अधिक दाब के कारण क्या होगा, द्रव के अंदर रखे अगर आपने ठोस गोले को रखा है तो उस पर सभी ओर से क्या होगा, समान रूप से वो संपीड़ित हो जाता है। तो ये जलीय संपीड़न की स्थिति है। तो इस समय क्या होगा, पिंड में आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, और इस समय जो द्रव द्वारा लगाए गए वो बलों के बराबर और विरोधी दिशा में होगा। तो इस स्थिति में ठोस के एकांक क्षेत्र पर आरोपित जो आंतरिक प्रत्यानयन बल होगा उस प्रत्यानयन बल को हम कहेंगे जलीय प्रतिबल। तो इस तरीके से प्रतिबल और उसके तीन प्रकार हमने समझे। आने वाले वीडियो में हम विकृति और उसके प्रकारों को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सारे वीडियोज चैनल पर अवेलेबल है, देखते रहिएगा। धन्यवाद।